दे दिया इसने, जिसको हम एपीआई बाइंडिंग बोलते हैं। एपीआई बाइंडिंग का क्या मतलब है? एपीआई का बाइंडिंग का मतलब ये है कि ये जो की है इसको आप अटैच कर देते हो, दोनों एप्लीकेशन को अटैच करने का काम करती है ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन जब मैं इसकी बाइंडिंग करता हूं तो ये बाइनेंस मेरे से पूछता है कि इस एपीआई बाइंडिंग का जहां यूज हो रहा है उसको आप क्या परमिशन देना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मैंने उसको दो ही परमिशन दिए रीडिंग की, कि वो वहां पे रीड कर सके प्लस वो वहां पे ट्रेडिंग कर सके। अगर आप देखोगे ना, तो मैंने विड्रॉ की परमिशन दी है, ना ट्रांसफर की परमिशन दी है, और किसी चीज की परमिशन नहीं है। ये इस तरीके से हो गया कि आपने बैंक में पैसा रखा है और बैंक मैनेजर को आपने बता दिया कि भैया एक व्यक्ति आएगा जो मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करेगा, लेकिन उसको सिर्फ ट्रेडिंग करने देना, उसको ना तो कोई वहां से विड्रॉ करने देना है ना कोई ट्रांसफर करने देना है। तो मैं मानता हूँ कि वो आपके लिए एक अच्छी चीज होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस बैंक मैनेजर को बता चुके हैं। तो सेम इसी तरीके से, एक तरीके से ये जो बाइनेंस है हमारा, क्रिप्टो बैंक की तरह काम करता है। अब क्रिप्टो बैंक किस तरीके से, अब बैंक में क्या होता है, आपको लोन मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ आप क्रिप्टो लोन भी ले सकते हैं बैंक में। और क्या होता है, बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ एक सर्टेन परसेंटेज का आपको ब्याज देता है। तो वो भी यह फैसिलिटी है जिसको स्टेकिंग बोलते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि ये कॉइन है AVX, अगर 10 दिन के लिए आप इसकी एक मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे रखते हैं तो 1 साल का रिटर्न आपको 30.25% मिलेगा। इसी तरीके से डिफरेंट कॉइन्स हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, ये सेकंड कॉइन है लूना, तो इस तरीके से अगर आप 15 डेज के लिए आप अपना ये कॉइन, मिनिमम 1 क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी, तो आपको 25.39% पर ईयर मिलेगा। और अगर मैं बैंक की बात करूं तो कितना देता है, 4% से लेके 6%। तो ओवरऑल बात करें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कहीं नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई कि मैं किस एक्सचेंज पे काम कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड का नंबर 1 है और एक तरीके से पूरा क्रिप्टो का बैंक है। तो यहाँ पे मेरा पैसा भी सिक्योर है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है कि भैया यहाँ से विड्रॉ मत करने देना, ट्रांसफर मत करने देना। अब एपीआई बाइंडिंग के थ्रू हमने दोनों एप्लीकेशन को आपस में बाइंड कर दिया है। बाइंड का मतलब यह है कि दोनों को इंटरेक्ट करा दिया है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। ये ऐसा ही समझिए जैसे कि आपने जोमेटो या स्विगी का नाम सुना होगा, वो सिर्फ रेस्टोरेंट के और आपके बीच में एक कड़ी है। उसकी अपनी कोई वो नहीं है, वो सिर्फ एक कड़ी है जो कि आपको और रेस्टोरेंट को आपस में जोड़ती है। तो इसी तरीके से एपीआई की भी रॉयल क्यू को और इस तरीके से बाइनेंस को आपस में जोड़ देती है, जहां से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपका काम आसान करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि भाई चलो ठीक है, ये तो मेरी समझ में आ गया कि किस तरीके से ये बाइंड होके एक दूसरे के साथ बात करेंगे। अब मुझे करना क्या है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको इस रोबोट को परचेज करना पड़ेगा जिसकी 120 USDT अभी फीस है। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस की बात करूं तो ये साल, 1 साल के लिए होता है। 1 साल के लिए 9500 से वेरी करता रहता है, 9600 के यहाँ पे जो बैठे हैं प्रोफेशनल ट्रेडर उनके माध्यम से अपना अकाउंट अटैच करा दें। वो कैसे होता है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और मैंने अभी बोला कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर है? ये सर्किल आप भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे मैंने यहाँ क्रिएट की सर्किल पे क्लिक किया तो इसने मुझे एक पॉपअप विंडो खोल के दे दी और इसने बोला कि भैया कम से कम 100 ट्रांजेक्शन्स आपकी हो जानी चाहिए तभी मैं आपको परमिशन दूंगा। यानी कि आप 100 टाइम्स ट्रेड कर चुके हो और कम से कम आपने 1000 USDT का प्रॉफिट ले लिया हो तभी आप सर्किल क्रिएट कर सकते हो। और मैं मानता हूँ अगर कोई बंदा 1000 USDT का प्रॉफिट निकाल चुका है तो वो अपने आप में एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाएगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो ये ट्रेडर है ये प्रोफेशनल है। अब मुझे सिंपल सा क्या करना होता है, मान लीजिए मुझे लगता है कि ये मार्वल, अब मैं कैसे जानूं कि कौन अच्छा ट्रेडर है? तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये मुझे एक लिस्ट दिखानी शुरू कर देगा। मुझे ये देखना है कि प्रॉफिट में लिस्ट में नंबर 1 कौन है, जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे ये नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं कि नंबर 1 पे AI बोर्ड, दूसरे नंबर पे मार्लोन 26, ये बदलते रहते हैं नंबर। अगर आपने पिछली बार देखा होगा तो यहाँ पे किसी और का नाम था। अगर मुझे देखना है कि आजकल हॉट लिस्ट में कौन चल रहा है, तो क्यूके सर्किल, क्रिप्टो बुल, ऑटो सुल्तान, ये नंबरिंग चल रही है। 4th नंबर पे आपका ट्रेड भी आ। अगर मुझे पॉपुलरिटी लिस्ट में देखना है तो मैं पॉपुलरिटी लिस्ट में भी देख सकता हूँ कि कौन नंबर 1 पे है, कौन
कौन नंबर टू पे है, कौन नंबर थ्री पे है। अब ये मेरी चॉइस हो जाती है कि मैं इसका एक थोड़ा सा समराइज करूं और देखूं कि मुझे किसके साथ अपना अकाउंट अटैच करना है। सपोज कीजिए मुझे मार्वल अच्छा लगता है या कोई भी लगता है, तो मुझे पहला स्टेप जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसको ज्वाइन करना होता है। तो मैं अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा आ जाएगा ज्वाइन। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्लिक करने के करूंगा जैसे ही, तो ये मुझे यहाँ इसकी प्रॉफिट परसेंटेज दिखा देगा कि अभी तक इसने कितना प्रॉफिट निकाल के दिया है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूंगा। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे पता लग गया कि भैया इसने कितना परसेंट निकाला है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे से पूछ भी लेगा कि क्या आप इसके साथ अपना अकाउंट सिंक करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक स्टेप है, आप इस ब्लू बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आप फर्स्ट बाइन अमाउंट कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका 1000 USDT का अकाउंट है तो एक बार में उठा लेगा, ये आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं कि ये यहाँ से 20 USDT उठाए फर्स्ट टाइम में, या 10 उठाए, या 40 उठाए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको परमिशन देना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका 1000 तक का जो भी पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ 10 USDT रखें। नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखाया गया है नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, इसका मतलब ये है कि आप कितने कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो। तो सपोज कीजिए आपने डाला कि मैं सिर्फ एक कॉइन में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आपने एक डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा कि इसकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, यानी कि आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1% ये लेगा, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे एक ट्रेडर है जो कुछ समय के लिए जो है फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आप चाहें तो उसके साथ भी अपना अकाउंट अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो नीचे फिर एक ऑप्शन आ जाएगा सिंक स्ट्रेटजी। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, अभी देखिए यहाँ पे 3 कॉइन चल रहे हैं मेरे, KSM, ADA और FTT। अब मैं मान लीजिए सर्किल में किसी के साथ अकाउंट, मान लीजिए रियल सुल्तान के साथ मैं अटैच करता हूँ, क्लिक करूँगा, श्रिंक करूँगा 10 USDT, एक कॉइन मैंने लिया। यहाँ पे देखिए इसका प्रॉफिट परसेंटेज अलग है, ये मेरे से यहाँ पे 1.5% करा है, मैंने क्लिक किया तो सेट सक्सेसफुली। अब देखते हैं लगी है ट्रेड या नहीं लगी। ये देखिए यहाँ पे ना, पहले मैंने 3 बताए थे ना आपको, एक ये नया कॉइन खुल चुका है डॉट, ये आपको यहाँ पे भी दिखा देगा जब आप न्यूज में जाएंगे ना, तो न्यूज में भी दिखा देगा ये कि देर इज ए न्यू बाय इन बाइनेंस, और किसमें डॉट USDT में, एवरेज ट्रांजेक्शन प्राइस 28। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी ट्रेड रॉयल क्यू पे चल रही है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, आपकी टोटल जो ट्रेड है वो बाइनेंस पे है। यहाँ पे तो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, जो भी आपकी ट्रेड है वो सारी की सारी आपकी बाइनेंस पे चलती है। अभी देखिए मैंने डॉट की यहाँ पे ट्रेड लगाई है, तो अगर मैं देखना चाहूँ तो ट्रेड अगर बाइनेंस पे अगर मुझे देखना है कि ये मेरी ट्रेड लगी या नहीं लगी, तो मैं ट्रेड सेक्शन में गया, यहाँ पे जाके मैंने ऑर्डर हिस्ट्री देखा। अभी आप देखिए, अभी मैंने डॉट लगाया था तो मेरा डॉट बाइनेंस पे लग चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरी जो ट्रेड है वो सिर्फ डिस्प्ले है रॉयल क्यू पे, एक्चुअल ट्रेड आपकी यहाँ पे चल रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर को बोल देते हैं कि भाई मेरे भी आप पे कोई और ट्रेड करेगा, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड कहाँ होगी, बैंक में। तो उसमें वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर किसकी नज़र है, बैंक की। इसी तरीके से सारी ट्रेड यहाँ पे हो रही है, इसमें रॉयल क्यू का कोई दखल अंदाजी नहीं है, सब बाई भी यहीं पे होगा और सेल भी यहीं पे होगा। तो घबराने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है कि रॉयल क्यू कुछ गलत कर देगा, क्योंकि टोटल ट्रेड आपकी बाइनेंस पे चल रही है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड कि हम किस तरीके से इसमें ट्रेड लगा सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो मैन्युअली लगाना है, और मान लीजिए आप कोई भी कॉइन लेते हैं, सपोज कीजिए आप मैटिक में लगाना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप माना में ही लगाना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
सर इसमें आज सॉरी सर टोकने के लिए, आज जो अपडेट आया ना उसके बाद में ये कुछ प्रोफेशनल और सिंपल कॉइन्स दोनों को डिफरेंट कर दिया जाए। एक बार बैक आइए, उसमें आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा मेटिक। एक तो जनरल हो गया, एक प्रोफेशनल हो गया। हाँ ये तो मतलब आज ही ऐड किया है ना हमने। हाँ इसमें आप मेटिक सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। जी जी नहीं आ गया था मैटिक, वैसे भी आ गया था, अगर मैं जनरल में या उसमें भी करूँगा। अच्छा जनरल में प्रोफेशनल में, नहीं सॉरी आएगा, सॉरी नहीं सॉरी, आएगा जनरल में। हाँ मैटिक में आ जाए। नहीं मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, ऑल में भी जाके मैं पूरा देख भी सकता हूँ सारी चीजें। अभी आज डिफरेंट की है इन्होंने कि अगर आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं इनमें। जी सपोज कीजिए जी मैंने मैटिक यहाँ पे लिया, तो मैटिक में आपको ट्रेड लगानी है, तो उसके लिए सिंपल सा क्या है कि आप ट्रेड सेटिंग पे जाएंगे, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं बार बार किसी कॉइन में ट्रेड नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही सब सेटिंग एक बार हो जाए, फिर मैं मैन्युअली जो भी कॉइन लगाना चाहता हूँ वो अलग से लग जाए। तो उसके लिए सिंपल सा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव में यहाँ बेस्ट सेटिंग लिखा हुआ है, ऑल पे क्लिक करेंगे और ट्रेड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो भी ट्रेड की सेटिंग लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली सभी कॉइन्स में लग जाएंगे। और वो लगने के बाद फिर जब आपको कोई भी कॉइन, मान लीजिए आपको मैटिक ही चलाना है, तो आप सिर्फ मैटिक में जाएंगे और मैटिक में जाने के बाद आपको सिर्फ स्टार्ट करना होगा, और कोई ट्रेड सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक बार में लगाएंगे वो ट्रेड सेटिंग, जैसे मान लीजिए मैंने एक बार लगा रखी है, देखो मैंने कुछ नहीं लगाई, लेकिन मैंने बेस्ट सेटिंग में जाके ट्रेड सेटिंग लगा रखी है, तो ऑटोमेटिकली मेरा बाय डिफॉल्ट वही चीज आ जाती है जो मैंने सेटिंग लगाई हुई है। तो बेस्ट सेटिंग में एक बार जाके सारी वो है अपने आप लग जाती है। मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज कीजिए आप बेस्ट सेटिंग में गए, आपने सभी कॉइन्स को सिलेक्ट किया, ट्रेड सेटिंग में गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट बाइन अमाउंट है वो 10 USDT रहे, तो वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट रहता है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ये पूरा का पूरा चेंजेबल है। मैं इसको 15 करना चाहूँ 15 कर सकता हूँ, अभी हम इसको 10 ही रहने देंगे। दूसरी चीज आती है हमारी मार्जिन कॉल लिमिट, ये क्या है। इससे पहले ओपन पोजिशन डबल है, ये ओपन पोजिशन डबल का क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि आपकी पहली कॉल जो आपने यहाँ पे 10 USDT ली है, लेकिन पहली कॉल आपकी इसकी डबल उठे, तो आप इस ऑप्शन को खोल सकते हैं। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ब्लू हो जाएगा, तो मेरी पहली कॉल ये 10 USDT की जगह 20 USDT की उठाएगा, तो आप इस ऑप्शन को खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अभी मैं बंद कर रहा हूं इसको। अब मैं चाहता हूं मार्जिन कॉल लिमिट, ये क्या चीज है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जब जब डाउन जाए, और जो मैंने एक परसेंटेज इसको बताई है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी उस परसेंटेज को रीच करे तो उतने अमाउंट का ये दोबारा से परचेज कर ले, ताकि उस कॉइन में मेरा एवरेज बना रहे। जैसे मैंने यहाँ पे 7 टाइम रखा है, तो मैं यहाँ पे ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन मुझे एक ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें मुझे दिखाएगा अभी ये बाय डिफॉल्ट है कि जहां पे आपने परचेज किया अगर मार्केट उससे 3.5% नीचे जाती है तो ये 2 टाइम्स और बाय कर लेगा। 2 टाइम्स किसका, जो आपने फर्स्ट बाइन अमाउंट रखा है, जैसे हमने 10 रखा है तो उसका 2 टाइम्स यानी कि 20 USDT का और परचेज कर लेगा। अब ये परचेस करता क्यों है, ताकि नीचे मार्केट आ रहा है तो आपका एवरेज बनता चला जाए। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी इनकी बहुत स्ट्रांग है, अगर हम उस पर बिलीव कर लें तो वो हमें हमेशा जो है प्रॉफिट में रखेगी, लेकिन उसके लिए फंड भी हमें अच्छा खासा चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसको 3.5 ना करके 1.5 करना चाहता हूँ, और इसको 2 टाइम्स ना करके 1 टाइम रखना चाहता हूँ, तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। देखिए ये अलग अलग इसने दिखाई है कि ये फोर्थ कॉल कब उठाएगा, जब मार्केट इस 4.5 से नीचे 5.2 और जाएगा, तो ये 16 टाइम उठा लेगा, किसका 10 का। इस तरीके से करके मैंने वहां पे 7 कॉल रखा है, तो 7 कॉल तक ही उठाएगा ये। अब ये देखिएगा, अब मान लीजिए मैं इसको 10 टाइम कर देता हूँ सपोज कीजिए, या 12 टाइम कर देता हूँ, तो अब देखिए अब मेरी नंबर ऑफ कॉल 7 की जगह कितनी हो गई, 12। तो इसको आप कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, इन परसेंटेज को भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर इनको भी आप चेंज करना चाहें तो ये सारे क्लिकेबल है। मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, और इसको 2.5 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो सारी चीज ये जब आप सेटिंग कर लोगे उसके बाद आपको कंफर्म करना है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग जो की हुई है वो की हुई है। जब आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो उसके बाद
आपको यहां से सेव करना होता है। ये जब सेव करोगे आप, तो इसको सेव जैसे ही करोगे तो आपकी ट्रेड सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे दूसरा ये जो ऑप्शन है, ये क्या चीज है, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, जो कि आपको 1.3% दिखाया। इसका मतलब ये है कि जहां पे आपने बाय किया उससे जैसे ही 1.3% ऊपर जाता है तो ये सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, 1.3 है तो 1.1 या 1.5 जो भी आप रखना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहां पे स्क्रीन थोड़ा सा हट गई है, लेकिन 1.3% ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि ये यहां से कट जाएगा। ये कटेगा कब, जहां से ये 0.3% नीचे आएगा। सपोज कीजिए 1.3% ऊपर चला गया, लेकिन यहां से नीचे, अगर यहीं से नीचे आ गया 0.3% तो यहीं पे कट जाएगा, ये 1% का प्रॉफिट देंगे। लेकिन मान लीजिए ऊपर चलता चला गया और 10% ऊपर जाने के बाद वहां से 0.3% नीचे आता है तो ये तब कटेगा आपका। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करता है, ये नहीं कि आपने 1.3% कर दिया तो 1.3% पे काट देगा। ये जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा, और जहां से 0.3% नीचे आएगा ये वहां पे इसको कट कर देगा। मार्जिन कॉन्फिगरेशन में आपको बता ही चुका हूं कि आप मार्केट को कितने परसेंट तक कवर करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा बाय इन कॉल बैक। अब ये क्या चीज है, जरूरी नहीं है मार्केट ऊपर ही जाए, मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो मान लीजिए आपने यहां पे रखा है, जैसे फर्स्ट आपने रखी थी वो कि 3.5% जब नीचे जाए तो ये 2 टाइम आपकी कॉल को उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कहता है कि अगर भाई 3.5 नीचे जाने के बाद ये ऊपर नहीं आ रहा है, यानी कि 3.5% जहां पे इसको पहली कॉल लेनी थी लेकिन ये नीचे ही चलता चला जाता है, जहां से 0.5% ऊपर आएगा वहां पे फर्स्ट कॉल उठाएगा। अगर ये 3.5% जो आपने रखी है अगर वहीं से 0.5% आ जाता है तो पहली कॉल आपकी वहीं उठा लेगा एवरेज के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए 3.5 से भी नीचे जाके 5.5% अगर मान लीजिए नीचे चला गया और वहां से 0.5 ऊपर आया तो आपकी पहली कॉल ये तब उठाएगा। यानी कि ये चाहता है कि जितने नीचे जाके खरीद सके उतने नीचे जाके ये खरीदे। तो ओवरऑल सिचुएशन में ये आपका प्रॉफिट ही चाहता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टेक प्रॉफिट एंड एलोकेशन। ये क्या है, इस बोर्ड में खूबसूरत चीज ये भी दी गई है। मान लीजिए आप चाहते हो कि 4 बार तो इसने एवरेज बना लिया, 4 कॉल तक तो ये एवरेज बनाए, लेकिन आप चाहते हो कि जैसे ये 5th कॉल उठाए या उसके बाद की जो भी कॉल उठाए, 6th 7th जो भी उठाए, उसको ये फ्रेश कॉल माने और वहीं से बाय सेल करता रहे, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सबमिन मोड। तो सबमिन मोड अगर आप लगा देते हैं तो ये पूछता है आपसे कि भैया इसमें भी सेटिंग लगानी है, तो 5th पोजीशन से सबमिन मोड लेना शुरू कर देता है। आप चाहते हो कि जहां पे इसने मान लीजिए 5th पोजीशन ली, वहां से जैसे ही 1.3% ऊपर जाता है तो ये ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए उसके बाद भी ये 6th पोजीशन पे चला गया, वहां से जैसे ही 1.3% ऊपर जाएगा या जो भी आपने इसको डिफाइन किया 1.3% की जगह आपने कर दिया 1.1, तो ये उतने ऊपर आने पे ट्रिगर करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन काटेगा कब, जब वो जहां से 0.3% नीचे आएगा या जो आपने सेट किया है। अगर आपने इसको भी 0 कर दिया या 0.1 कर दिया तो ये वहीं पे ले लेगा इसको। मतलब ये दोनों फंक्शन सेम ही है, जो आपको ऊपर ये दिखाया था 1.3 और 0.3, तो ये सेम ही है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में दिखाता है और 0.3, लेकिन ये सबमिन मोड के लिए। इस तरीके से सारी सेटिंग करने के बाद आप सेव वाला बटन जो है इसको दबा देते हैं। ये सेव वाला बटन आपका जैसे ही दबेगा आपकी ट्रेड सेटिंग लग जाएगी। अब बस सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी कॉइन आपको लेना है, यहाँ से हम इसको बाय सेटिंग को हटा देंगे। मान लीजिए जैसे हमने सर्च किया था मैटिक, मुझे सिर्फ क्या करना है, स्टार्ट करना है इसको और कुछ नहीं, क्योंकि ट्रेड सेटिंग मैंने अभी इसमें लगाई नहीं है। जैसे ही मैं लगाऊंगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेटेजी मोड है,
से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो स्ट्रेटेजी मोड है इसमें तीन ऑप्शन दिखाता है, बाय डिफॉल्ट होल वेयरहाउस आता है, मतलब इसमें सब बिन मोड नहीं लेगा, यानी कि पांचवी कॉल से आपका अगर आपने ये वाला ऑप्शन खोला रखा है तो पांचवी कॉल को फ्रेश कॉल नहीं मानेगा, उसको भी एवरेजिंग में काउंट कर लेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सब बिन मोड और सब बिन मोड रियल टाइम। सब बिन मोड में क्या होता है, इसमें आपका जो चार्ज कटता है वो साथ के साथ नहीं काटता, बिल्कुल एंड में काटेगा, ठीक है। और सब बिन रियल मोड में क्या होता है, इस साथ के साथ आपकी जो है कॉल कटती रहेगी, उधर आपका फ्यूल चार्ज को बोलते हैं हम, जो सिस्टम को जाता है वो ये साथ के साथ कट करता रहता है। तो हमें इसमें ये भी ऑप्शन चूज करके रखना है या ये वाला ऑप्शन चूज करके रखना है, और इनको करने के बाद हमें कन्फर्म कर देना है ताकि हमें पता रहे कि हमारी ट्रेड जो है फिफ्थ कॉल